हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम समर ड्रेस बना के लाए हैं, तो बहुत इजी वे में आप ऐसी प्यारी सी नेपी समर ड्रेस बना सकते हो। तो इसको बनाने के बाद आपको नेपी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए हम लड्डू गोपाल के पहनाएंगे, तो उनके पहले नेक में डालना है और नेक में डालते हुए हम इनको ऐसे, ये देखिए जो स्ट्रिप है वो पीछे ले जाएंगे और ये नेपी का भी काम करती है। तो आगे पीछे से लाते हुए अब ये जो हमने वॉल्क्रो लगाया इसको खोलेंगे, घेर ऐसे इनके टर्न करते हुए हमें इनको पहना देना है। तो हल्का सा ऐसे खींचते हुए देखिए हमारा बिल्कुल कंफर्टेबल लड्डू गोपाल की ये नेपी ड्रेस बन गई। ईजिली आप ऐसी नेपी ड्रेस बना सकते हो और बहुत कंफर्टेबल है। गर्मी के पर्पज़ से आपको नेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लड्डू गोपाल को आपको अलग से नेपी पहनानी पड़े। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे आपको ऐसी न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए कॉटन की नेपी ड्रेस बनाने के लिए हमने ये कॉटन का कपड़ा लिया है और ये हमने 3.5 इसकी चौड़ाई ली है और इसकी जो लंबाई है वो हमने पूरी देखिए ऐसे नापेंगे तो हमारी ये 25 हाफ हमने ली है, ठीक है। और इसी को हमारा ये घेर रहेगा और ये हमने चोली के लिए पार्ट लिया है और इसकी साइज़ बता दें तो ये हमने 2.5 ली है और इसकी जो जो लंबाई है पूरी हमने 13.5 ली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी घेर को कंप्लीट करेंगे। तो हमें इसको देखिए इधर से सिलना रहेगा, तो ये उल्टा हमें रखते हुए यहाँ पे सिलाई करनी रहेगी, फिर टर्न करके सीधा कर लेना है, ऐसी दोनों साइड हमें करना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सिलना। तो देखिए सिलने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और कोने निकालने के बाद अब ये जो पार्ट खुला है इसको एक सिलाई लगा के हम इसको अटैच कर लेते हैं। अब देखिए इसको हमें प्लीट्स डालनी है, ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे प्लीट्स डालते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही हमें पूरी गैदर बना लेने हैं प्लीट्स डालते हुए, तो 2-3 प्लीट्स बनाते हुए फिर हम इसमें सिलाई कर लेंगे। कंप्लीट कर लिया। अभी जो हमने 13.5 लिया है इसको ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए हमें इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हम टर्न करके सीधा कर लेंगे। और अंदर की तरफ ऐसे निकालते हुए हम इसको सीधा कर लेते हैं। आप चाहें तो नोक वाली कोई भी चीज से, पेचकस से या किसी पेंसिल वेंसिल से भी कर सकते हो, ऐसे इजीली ये निकल आता है।
इस तरह से हमने ये सिल लिया है और टर्न कर लिया है। अब देखिए हमें ये ऐसे रखना है, यूं करके रखते हुए हम इसमें टर्न करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। पहले बराबर से रखना है, और हमें ये ऐसे रख लेना है, और यहाँ पे अब हमें सिलाई करनी है। तो हमें जितना हमें पहनाना है उतना छोड़ना है, तो ये हम रखते हुए हम देखिए ऊपर से नापेंगे। यहाँ से ऐसे नापना है, ये पूरा हमारा 2 इंच हम छोड़ देंगे और यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। तो इसको ऐसे एक के ऊपर एक रखते हुए अब यहाँ पे हम सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए इसको ऐसे रखना है और यहाँ पे अब हम ड्रॉ करेंगे निशान। ये हमने निशान लगा लिया। अब चोली का पार्ट लेंगे और मिड इसका लेते हुए, ये देखिए मिड ये सिलाई है, इसको इसी के ऊपर हमें ऐसे रखना है। रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ ये रहेगा, ये भी सीधा रहेगा, ये भी सीधा रहेगा, ठीक है। दोनों पार्ट सीधे रहेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हम कमर की नाप लेंगे, तो ये हमारी पूरी 5 इंच है, ठीक है। तो हमने ये कमर पट्टी के लिए लिया है, ये हमने पूरी 2 इंच और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ली है। इधर से नापेंगे तो ये हमारी पूरी 7.5 इंच है। अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और बैक में रख के यहाँ पे, तो देखिए इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे करके, और यहाँ से ही इधर से ही फोल्ड कर लेंगे और इसको हम अटैच कर लेते हैं। दोनों साइड हमें फोल्ड करते हुए अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। इस ऐसे सिलिया अब इसको टर्न करेंगे और टर्न करते हुए हम यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। अब देखिए हमने ये वेलक्रो लिया है, एक हम यहाँ लगा लेंगे ऐसे और एक हम अंदर साइड यहाँ लगा लेंगे। तो दोनों साइड लगा करके यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। एक ऊपर लगाना है, एक अंदर साइड लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ वेलक्रो लगा दिया है और एक हमने आगे की तरफ लगाई है, पीछे की तरफ लगाई, आगे की तरफ लगाए। हम पहनाएंगे तो ये ऐसे करके यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले पहनाते हैं।